यहां पहुंचे जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं नक्सली हमले में, उनका यहां इलाज किया जा रहा है, उन्हें यहां एडमिट कराया गया है। उन्हीं से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए यहां पहुंचे हैं बालाजी अस्पताल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसी अस्पताल में उन जवानों को एडमिट कराया गया है, डॉक्टर से मिले हैं, जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है, कैसी अभी तबीयत है, सेहत को लेकर क्या अपडेट है, मेडिकल अपडेट क्या है, कि किस तरह से जवान जख्मी हुए हैं, कितने गंभीर हैं, रिकवरी को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की है। अस्पताल में जवान एडमिट हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब जवानों को यहाँ अस्पताल लाया गया, चार जवान यहाँ लेकर आए गए हैं, कोबरा बटालियन के जवान हैं चारों। दो एम्बुलेंस के जरिए इन चारों जवानों को यहाँ लाया गया था, तीन जवानों को स्ट्रेचर में और दो को व्हीलचेयर में बालाजी अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। तो बालाजी अस्पताल में चार जवानों का इलाज चल रहा है, यहाँ पहुँचे हैं सीएम साय, उनका हालचाल लेने के लिए, उनकी स्थिति को समझने के लिए। नक्सली हमले में घायल हुए जवान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में जहां तीन जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं घायल जवानों को यहां लाया गया और जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाका है टेकलगुड़ा, जहां ये जवान आज कैंप बनाने के लिए पहुंचे थे और दोपहर करीब 12 बजे चौतरफा हमला किया। मुठभेड़ में 6 नक्सली भी ढेर हुए हैं। ये सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा हमला किया गया था, 15 जवान, अपडेट यह है कि 15 जवान घायल हुए हैं। एम्बुलेंस में जवानों को लाया गया, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, घायल जवान जो इस हमले में जख्मी हुए। एक जवान को गोली लगी और जो कोबरा एसटीएफ के जवान थे उनकी बात बता रहे हैं, जो आपको बालाजी अस्पताल लाए गए हैं, चार जवान उनमें से एक को लगी थी गोली और बाकी तीन जवान बम के छर्रों से घायल हुए थे। इन्हें यहां बालाजी अस्पताल लाया गया है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन की आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप पर यह बड़ा हमला हुआ था, तीन जवान शहीद हो गए थे। टेकलगुड़े में यह बड़ा नक्सली हमला, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तीन जवानों को शहादत मिली, 15 जवान जख्मी हुए और इन्हीं जख्मी जवानों का, जो चार जवान यहां लाए गए बालाजी अस्पताल, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। उनकी तबीयत को लेकर और ये सीआरपीएफ कैंप पर एक बड़ा हमला हुआ था। चार जवानों को यहाँ पे लाया गया है, जिसमें वेंकटेश है वो काफी गंभीर है, उसको दो बुलेट इंजरी उसको लेफ्ट थाई में लगी हुई है और एक स्प्लिंटर इंजरी एब्डोमिन में है, तो उसकी हालत काफी सीरियस है। और उसके अलावा एक राजेश है जिसको कि राइट साइड हाथ में लगी हुई है इंजरी, गोली जो है आर पार हो गई है। इसके अलावा हरजिंदर है जिसको कि घुटने, बाएं घुटने में और बाएं हाथ के फोर आर्म में चोट लगी हुई है और उसके बाद में उसको छाती में दबा। तो हमारे साथ इस वक्त घायल जवान मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल ओम प्रकाश, राहुल ओम प्रकाश, कैसे घटना हुई थी, आप लोग कैंप के गश्त पे निकले थे? नहीं सर, वहाँ कैंप एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है ना सर, टेकलगुड़े में, वहाँ गए थे कॉर्डन लगाने के लिए, तब वो थे। तो फिर नक्सली एम्बुश था कुछ? ये तो सर वहाँ जाने के बाद वो हुआ सर, फायर, गोलीबारी हुई, हाँ बीजेल और स्नाइपर शॉट फायरिंग, अंधाधुंध। तो नक्सलियों को भी नुकसान हुआ होगा? हाँ सर 100% हुआ है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था वहाँ पे लोग हैं? ऐसा तो हमें लग रहा था सर, क्योंकि वो एरिया बहुत डेंजर एरिया है ना, तो हमें पहले से आइडिया था कि कुछ तो हो सकता है, पर इतना होगा ये मतलब बहुत ज्यादा संख्या में रहे होंगे लोग सर, बहुत, क्योंकि भारी तरह से फायर आ रहा था उधर से। तो ये घायल जवान है जो कि यहाँ पर इलाज इस वक्त इनका फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। एक और जवान है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा सर।
क्या हुआ था? आप लोग जब कैंप में निकले थे, कैसे मुठभेड़ हुई, क्या हुआ? सर कॉर्डन में थे सर, हम फायरिंग हुई थी सर। कैसे क्या कितने फायर का जवाब? हमने फायर से दिया सर, उनकी भी कैजुअल्टी हुई होगी सर जी, बस वही सर। क्या बहुत ज्यादा नक्सली थे? हाँ ज्यादा ही थे सर, काफी टाइम तक 3-4 घंटे तक चलता रहा सर। आप लोग कितने लोग थे, क्या उनको आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि वहाँ और कितने लोग हो सकते हैं? सर अंदाजा तो सर फायर जहाँ से आ रहा था वही का होता है, बस पहाड़ी थी थोड़ी सी छोटी सी टेकरी थी, गांव था, गांव पे तो हम फायर कर नहीं सकते ज्यादा था, पर उसी पहाड़ी के एरिया में कर रहे थे और वो गांव के पीछे से भी फायर कर रहे थे। एम्बुश लगा के पहले से बैठे? एम्बुश ही बोल सकते हैं सर, एम्बुश था। क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा सर। कहाँ के हैं आप? जम्मू से। ये जवान थे जो कि घायल थे और इनका इलाज फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल 8 जवान घायल हैं और रायपुर में इनको एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो अभिषेक शुक्ल हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ उस अस्पताल में उन तमाम घायल जवानों से बातचीत कर रहे थे जिन्हें यहाँ लाया गया है इलाज के लिए। सीएम साय थोड़ी देर पहले पहुंचे बालाजी अस्पताल, वहाँ घायलों का उपचार किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन घायल कितना इंजर्ड है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी वहाँ जो डॉक्टर्स हैं तैनात उनसे ली है और उन जवानों का हालचाल जानने के लिए बालाजी अस्पताल सीएम साय थोड़ी देर पहले पहुँचे। वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके जिन जवानों को यहाँ लाया गया। आज नक्सलियों के जो हमले में ये जवान घायल हुए, जो CRPF कैंप को वहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए पहुँचे थे और नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जवान ये भी कह रहे थे कि हमारी तरफ जवाबी कार्रवाई भी हुई है और जवाबी कार्रवाई में नक्सली भी ढेर हुए हैं। 3 जवानों को शहादत मिली, 15 घायल हैं। 1 जवान जो यहाँ पर लाया गया है वो बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड बताया जा रहा है और बाकी के जवानों को भी यहाँ उनकी स्थिति को देखते हुए क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तस्वीरें सीएम साय जिस समय पहुँचे उनके काफिले की आपके टीवी स्क्रीन पर। बालाजी अस्पताल यहाँ लाया गया जवानों को, 8 जवान। अभिषेक शुक्ल ये कह रहे थे कि 8 जवान जख्मी हुए हैं और ये तस्वीरें जब सीएम साय ने पूरी जानकारी इन जवानों से जुड़ी हुई हासिल की, कौन जवान कितना घायल है, कितना गंभीर है, इसको लेकर भी मुठभेड़ में जो जानकारी मिल रही है, 6 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। एम्बुलेंस के जरिए इन्हें लाया गया, उसके बाद स्ट्रेचर से अंदर ले जाया गया है। 1 जवान की हालत बेहद नाजुक है, इस हमले में बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, अभी मौके पर क्या चल रहा है घायलों को लेकर और सीएम साय के अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर है, सीएम का कारगेट है, सीएम खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ पूरी जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, DGP अशोक जुनेजा भी पहुंचे हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा है वो भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद अंदर गए हैं और साथ में जो गृह मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं और जो 4 घायल जवानों को बालाजी हॉस्पिटल पर रखा गया है उनका हालचाल जान रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और किस तरह की ये घटना है हुई है उसकी जानकारी ले रहे हैं। युगल लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए भी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आती रहेगी हर पहली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल मेरे साथ खबर असरदार में इतना ही।